दरोगा का बेटा संदीप गाडौली बन गया मोस्ट वांटेड। दिव्या पाहुजा का जाल फेक पुलिस ने फंसाया, फिर हुआ था एनकाउंटर। पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के बाद गुरुग्राम का बेहद खूंखार गैंगस्टर संदीप गाडौली एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बादशाह को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साल 2016 में मुंबई के एक होटल में मार गिराया था। आरोप लगा कि यह एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के इशारे पर अंजाम दिया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने प्रेमिका दिव्या पाहुजा समेत आधा दर्जन पुलिस कर्मी अरेस्ट किए थे। गुरुग्राम का गैंगस्टर संदीप गाडौली अपनी मौत 7 साल बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस समय उनकी चर्चा की वजह एक जमाने में उनकी प्रेमिका रही पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा की वजह से हो रही है। दिव्या पाहुजा की बुधवार को ही संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 7 महीने पहले ही जेल से छूटकर आई दिव्या पाहुजा की हत्या उसके एक प्रेमी अभिजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं 1.5 लाख की इनामी बदमाश संदीप गाडौली की। एक समय था जब गुरुग्राम समेत पूरे दक्षिण हरियाणा में संदीप गाडौली की तूती बोलती थी। दिल्ली NCR के तमाम बड़े गैंगस्टर भी संदीप का नाम सुनते ही पीछे हट जाते थे। महज 4-5 सालों में गैंगस्टर संदीप का नाम इतना बड़ा हो गया कि उनके नाम से गुरुग्राम ही नहीं पूरे दिल्ली NCR में हर महीने रंगदारी आने लगी। कहा तो ये भी जाता था कि उसने अंडरवर्ल्ड को भी चुनौती दे दी थी, इसलिए अंडरवर्ल्ड के इशारे पर गुरुग्राम पुलिस ने साल 2016 में संदीप को मुंबई में घेर कर मार डाला था। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे पिता। आइए संदीप गाडौली की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उनके पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। उन्हें काफी तेज तर्रार माना जाता था। वे भले ही अपनी ड्यूटी बढ़िया से निभाते रहे, लेकिन घर परिवार पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। परिणाम ये हुआ कि बेटा संदीप बचपन में ही मनबड़ और बेलगाम हो गया। यह उस दौर की बात है जब गुरुग्राम में नई नई कंपनियां आ रही थी, पैसा हवा में तैर रहा था। उन्हीं दिनों किशोर उम्र संदीप को भी पैसे का चस्का लग गया था और उसने छोटी मोटी उगाही शुरू कर दी थी। इसे संयोग ही कहेंगे कि उन्हीं दिनों किसी ने उनकी बहन को छेड़ दिया था। 10 साल तक बजा अपराध का डंका। इसकी जानकारी हुई तो संदीप ने दिन दहाड़े उस युवक की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस पीछे पड़ी तो संदीप ने भी घर छोड़ दिया और अपराध की दुनिया में पैर जमा लिया। साल 2005 से लेकर 2014 तक उसने गुरुग्राम पर एक छत्र राज किया। इस अवधि में उनके खिलाफ 36 मामले दर्ज हो गए। इसमें करीब आधा दर्जन मामले हत्या के और करीब इतने ही मामले हत्या के प्रयास के हैं। बाकी मामले रंगदारी और किडनैपिंग के हैं। दिलचस्प है एनकाउंटर की कहानी इन मामलों को देखते हुए। उस समय पुलिस ने संदीप पर 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसी क्रम में साल 2016 में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुंबई में उनका एनकाउंटर किया था। संदीप के एनकाउंटर की कहानी भी काफी दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि जब संदीप की कुख्याति अपने चरम पर थी, उन्हीं दिनों गुरुग्राम में ही बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पाहुजा मुंबई में अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रही थी। हालांकि मॉडलिंग में उसे सफलता नहीं मिली और गुरुग्राम लौट आई। इन्हीं दिनों एक मनीष नामक युवक के माध्यम से वह संदीप के संपर्क में आई। दिव्या पाहुजा बनी थी पुलिस का चारा। संदीप की वजह से उसे कुछ काम भी मिला, लेकिन उसे अब मॉडलिंग रास नहीं आ रही थी और वह संदीप के साथ ही रहने लगी। हालांकि कुछ दिन के साथ के बाद दोनों में झगड़े होने लगे। कहा जाता है कि काफी प्रयास के बावजूद गुरुग्राम पुलिस संदीप गाडौली का कोई सुराग नहीं तलाश पा रही थी। इसी बीच उसे दिव्या से झगड़े की खबर मिली तो पुलिस ने संदीप को फंसाने के लिए दिव्या को चारा बनाया। फिर उसी के इनपुट पर गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच पालम विहार के दरोगा प्रद्युमन यादव और उनकी टीम ने मुंबई के एक होटल में मार गिराया।